जब से स्पाइडरमैन नो वे होम का पहला ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से लेके अब तक हम सिर्फ मल्टीवर्स की बातें करते आए हैं, और हमारी ये थ्योरीज स्पाइडरमैन के दूसरे ट्रेलर में भी क्लियर हो गई थी। लेकिन मल्टीवर्स तो छोड़िए, इस फिल्म में तो दो अलग अलग यूनिवर्सेस का पूरा क्रॉसओवर देखने को मिल गया है। लेकिन अगर बात इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स की करें तो इन्हें समझाने से पहले हमें थोड़ा आपको कहानी को समझाना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने फिल्म की कहानी में देखा कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूरी तरह रिवील हो चुकी है, इसकी वजह से वो और उसके दोस्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी आ गए हैं। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेता है सबकी मेमोरीज मिटाने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा स्पेल कास्ट करते हैं जिससे सब ये भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पर स्पेल कास्ट करते वक्त पीटर की गलती से स्पेल गलत कास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग रियलिटीज से हर यूनिवर्स से पीटर को ढूंढते हुए उसके दुश्मन आ जाते हैं। अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने पर सब सही करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे ये भी पता चल जाता है कि अगर उसने इन सब को अपने यूनिवर्स में दोबारा भेजा तो ये सब वहाँ मारे जाएंगे। इसीलिए वो इन सारे सुपर विलन्स को सही करने की कोशिश करता है। वैसे मैं आपको इस फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा सस्पेंस बताना भूल गया हूँ। हमें पहली बार एमसीयू के अंदर डेयर डेविल दिखा है। ये एमसीयू का फेस सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम आगे देखते हैं कि पीटर अपनी आदत से मजबूर उन लोगों की मदद करता है, लेकिन गॉब्लिन भी अपनी आदत से मजबूर है, वो उसे फिर से धोखा देता है और वहाँ से भाग जाता है। गॉब्लिन की वजह से बाकी के विलन्स भी पीटर के खिलाफ हो जाते हैं। अब बेचारा अकेला पीटर उनसे नहीं लड़ पाता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। लेकिन उसको उन विलन्स को सही कर उनकी दुनिया में भी भेजना है। अच्छा, वैसे ये स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज आगे कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इसका अंदाजा हमें उस सीन में लग जाता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज रियलिटी माइक क्रैक्स को सही कर रहे होते हैं। वहाँ हमें बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स की इमेज देखने को मिलती है, और वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के दुश्मन एमसीयू में सबसे ज्यादा है, और उस स्पेल की वजह से उसका हर एक दुश्मन उसके इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट हो रहा था। स्पाइडरमैन सबको सही तो कर देता है लेकिन उसे मदद लेनी पड़ती है। पर अब फिल्म में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसमें स्पाइडरमैन को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि इस बार जो स्पेल कास्ट होगा उसमें तो सब यही भूल जाएंगे कि उनके साथ कोई पीटर पार्कर भी एग्जिस्ट करता है, पर ऐसा करना जरूरी है रियलिटी क्रैक्स को भरने के लिए। अब हम देखते हैं कि इस पूरी दुनिया में लोग पीटर पार्कर को भूल गए हैं। पहले स्पेल से लोग ये भूलते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, पर इस स्पेल ने तो लोगों को यही भुला दिया है कि पीटर पार्कर नाम का इंसान भी है इस दुनिया में। पीटर टोबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन की तरह ही अकेले रहने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो भी ठीक उसी तरह ही एक रूम रेंट पर लेता है जैसे टोबी पहले स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज में रहा करता था। पीटर जेंडाया यानी कि एमजे को भी याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं पीटर पार्कर हूँ, तुम्हारा दोस्त, पर वहाँ नेड और एमजे एमआईटी में अपने एडमिशन की बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पीटर उन्हें बिना बताए वहाँ से आ जाता है। अब पीटर ने शायद ये यहाँ इसलिए भी किया होगा क्योंकि वो उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता होगा उनकी सेफ्टी की वजह से। वैसे हमें इस फिल्म में एमआईटी के काफी ज्यादा रेफरेंसेस सुनने को मिल रहे हैं, जो कि शायद स्पाइडरमैन की आगे की कहानी को कनेक्ट करेंगे वकांडा फॉरएवर और आयन हार्ट से, क्योंकि सुनने में आया है कि इन दोनों फिल्म की भी ज्यादातर शूटिंग एमआईटी में ही शूट की गई है। और अब यहाँ बारी आती है हमारे पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की, या फिर हम उसको मिड क्रेडिट सीन भी बोल सकते हैं, जिसमें वेनम यानी कि एडी ब्रॉक एक कैफे में बैठा होता है और बारटेंडर से अवेंजर्स और इस दुनिया के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि वेनम एक अलग रियलिटी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और उसके यहाँ मार्वल यूनिवर्स में आने की कहानी वेनम लेट द कार्नेज बिगिन के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई गई थी, जिसमें वेनम के पास एक पोर्टल खुलता है और वो यहाँ इस यूनिवर्स में आ जाता है। मतलब इन सारे विलन्स और अनचाहे मेहमानों के साथ वेनम भी इस यूनिवर्स में आ गया था, लेकिन उसकी स्पाइडरमैन से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसीलिए वो उसे मारने या फिर मिलने नहीं गया बाकी दूसरों की तरह। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि एडी भी बाकी सभी दूसरों की तरह अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है, लेकिन उसके सिम्बियोट वेनम का थोड़ा सा हिस्सा यही मार्वल यूनिवर्स में रह जाता है। इसका मतलब है कि आने वाली स्पाइडरमैन में हमें दूसरे विलेंस के साथ सिम्बियोटिक हीरो या फिर सुपर विलेन भी देखने को मिल सकता है।
मार्वल ने बड़ी चालाकी से अपने यूनिवर्स में सिम्बियोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पर देखना ये होगा कि ये सिम्बियोट बॉन्ड किससे करता है। इस फिल्म में हमने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी थी, जिसमें नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग से पोर्टल खोलते हुए दिखाया गया था, और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते भी हैं कि ये तुमने किया कैसे, और वो नेट से इम्प्रेस भी दिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को तो उस रिंग को इस्तेमाल करने में बहुत दिन लग गए थे, लेकिन नेड ने उसे पहली बार में इस्तेमाल कर लिया था। तो शायद नेड कैमोताज में काम करते हुए देख सकता है। तो अगर आप इन तीनों रेफरेंसेस को जोड़ सकते हैं, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि वेनम सिम्बियोट शायद एमजे से बॉन्ड हो सकता है। वैसे ऐसा होने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाएगा तो स्पाइडरमैन के साइड किक्स भी सुपर हीरो बन जाएंगे। अब बात आती है दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसमें तो हमें एक पूरा ट्रेलर ही देखने को मिल गया है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस का, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थोड़ी बहुत फिल्म की कहानी समझ आ गई है, जिसमें हमें इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म में हमें सीधे कनेक्शन लोकी और वांडा विजन से दिखने वाला है। साथ ही में इसमें शायद हमें एक और नई एंट्री देखने को मिल सकती है मिस अमेरिका के रूप में। तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम वो आपसे हमारी दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। फिलहाल तो आप जाइए और स्पाइडरमैन नो वे होम देख कर आइए, क्योंकि शायद ये स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की बेस्ट फिल्म है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको इविल डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि सुप्रीम स्ट्रेंज की कहानी से रूबरू कराएंगे। साथ ही में हम आपके लिए स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।